हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं राजेश सर फिर से आपका स्वागत करता हूं काबिल अकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आपको पता है कि WB TET 2023 यानी कि वेस्ट बंगाल प्राइमरी TET 2023 की परीक्षा की घोषणा सरकार ने कर दी है पश्चिम बंगाल में। और ये परीक्षा कब है तो आप सब जानते हैं, ये परीक्षा है 10 दिसंबर 2023 यानी कि रविवार को, आई थिंक 12 बजे से 3 बजे तक की ये परीक्षा होगी। 150 नंबर की परीक्षा होगी और 60% इसकी पासिंग मार्क्स है, यानी कि जनरल के लिए 90 है, बाकी के लिए 82 है। तो इसकी एक श्रृंखला जो हमने अगले साल भी शुरू की थी, इस साल भी हम लोग नए सिरे से इसकी शुरुआत कर रहे हैं WB TET की। WB TET पश्चिम बंगाल का TET बाकी भारत के किसी भी TET और CTET से अलग इसलिए है क्योंकि इसका जो लेवल ऑफ इंटेंसिटी है वो काफी हार्ड है, काफी ज्यादा अच्छा है, बेहतरीन है, हर तरह के क्वेश्चंस को ये कवर करता है, जबकि बाकी जो स्टेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इससे काफी डिफरेंट है। ये पश्चिम बंगाल का जो TET है ये बिल्कुल अलग है और इसमें क्वेश्चन जो है डिमांड करता है कि एक बच्चा जो है स्टूडेंट जो है स्किल्ड है कि नहीं नॉलेज पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि मैं EBS की क्लासेस मैंने शुरू की थी, कल एक वीडियो मैंने डाली फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के रूप में, और आज जो है वेस्ट बंगाल GK स्पेशल का ये दूसरा सेशन है, क्लास नंबर 3 है, सीजन 2 एपिसोड नंबर 3, और ये सभी के लिए फ्री है। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है एजुकेशन एंड हेल्थ इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो शिक्षा व्यवस्था और यहाँ के जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, यहाँ से जुड़े हुए कुछ बहुत ही खास सवाल जो मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इस साल पश्चिम बंगाल पर राज्यों के लिए काफी सीरियस है, कई सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, तो इन्हीं अनएक्सपेक्टेड चीजों को एंटिसिपेट करना है और हमें पढ़ाई करनी है। चलिए, बातें तो होती रहेंगी, आज का सेशन शुरू करते हैं। लास्ट ईयर 80% कॉमन था, इस बार भी उम्मीद करता हूं कि 80 दिनों में 130 जो है हम लोग पार जो है कर जाएंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पहला सवाल हम लोग का क्या है। देखिए, पहला सवाल जो है फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट, देखिए सवाल बहुत ही शानदार है, सवाल देखेंगे आपको मजा आएगा। फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट्स इन इंडिया हु बिलोंग टू वेस्ट बंगाल आर, कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से संबंध रखने वाली, ठीक है, पश्चिम बंगाल से जो है संबंध रखने वाली पहली महिला ग्रेजुएट जो है भारत की वो कौन है जो कि पश्चिम बंगाल राज्य से आती थी, क्या नाम है इनका। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस तो मैंने दे रखा है, कादम्बिनी गांगुली, चंद्रमुखी बासु, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ देम। आपने कादम्बिनी गांगुली का नाम तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा और आंसर में यही देते हैं, लेकिन अगर विशेष करके देखें पश्चिम बंगाल के दृष्टिकोण से देखें, सवालों की जो टेक्निक है वो थोड़ी अलग थी। ये दोनों को देखिए, ये है कादम्बिनी गांगुली, ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये जो है चंद्रमुखी बासु, ठीक है। तो अगर फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट्स की हम बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी, जी हाँ, कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु दोनों जो है फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है। कादम्बिनी गांगुली जिनका 18 जुलाई 1861 को जन्म और 3 अक्टूबर 1923 को इनका देहांत हुआ था, तो ये दोनों ही फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट हैं, लेकिन कादम्बिनी गांगुली का नाम इसलिए प्रचलित है क्योंकि ये पहली महिला डॉक्टर यानी कि पहली फीमेल फिजिशियन थी जिन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से इन्होंने अपनी डॉक्टर की डिग्री जो है पूरी की, और इन्हीं के डॉक्टर की डिग्री पूरी हो जाने के बाद कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ओपन इट्स डोर्स टू वुमेन स्टूडेंट, उसके बाद से ही महिलाओं के लिए कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के दरवाजे पढ़ने के लिए और डॉक्टर बनने के लिए पूरी तरह से खोल दिए गए। तो अगर पहली फिजिशियंस पहली फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट्स इन मेडिसिन अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कादम्बिनी गांगुली, लेकिन अगर फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट की हम बात करें तो कादम्बिनी गांगुली एंड चंद्रमुखी बासु इज द आंसर। इस साल के एग्जाम्स के लिए, WB TET के एग्जाम्स के लिए जो लोग देना चाहते हैं और जो लोग वेस्ट बंगाल फूड एंड SI फूड सप्लाई सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देना चाहते हैं, वो भी दिसंबर में इसकी परीक्षा है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, ये है कादम्बिनी गांगुली जिनका 159वां जन्मदिन, ठीक है, 18 जुलाई 1861 में इनका जन्म और 3 अक्टूबर 1923 को इनकी मृत्यु। ये फर्स्ट फीमेल डॉक्टर इन ब्रिटिश इंडिया एंड होल साउथ एशिया, पूरे दक्षिणी एशिया में और ब्रिटिश भारत में ये पहली फीमेल डॉक्टर थी, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल बहुत ही खूबसूरत, बहुत शानदार, द फोर्ट विलियम कॉलेज है ना कहाँ का, कोलकाता, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है किस साल की गई थी, और मेरे साथ आप लोग भी ऑप्शन देख के कमेंट करें, यहां देख के कमेंट ना करें, यहां जो मैंने दिया दे रखा है इंफॉर्मेशन 1820 1810 1800 और 1900। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है
आप हम देखें ध्यान से तो 18 अगस्त, जी हाँ 18 अगस्त 1800 को लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, जो उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे, उनके द्वारा जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में ही था, फोर्ट विलियम कैंप कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, जो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज को कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम भी कहा जाता है, इस बात को आप याद रखें, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस समय लॉर्ड वेलेस्ली जो उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे, उन्होंने इस कॉलेज की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि यहाँ पे अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं में यानी कि इंडियन लैंग्वेजेस में दे कैन बी टॉट सो दैट दे कैन इजीली गवर्न द कंट्री, रूल द कंट्री एंड कैन हैंडल द पॉलिटिकल एंड एजुकेशन सिस्टम इन द इन इंडिया। इस पर्पज को ध्यान में रखते हुए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा इसके हिस्ट्री के बारे में। तस्वीर भी आप कॉम्प्लेक्स की दी हुई ये कॉलेज की दी हुई है। अगला सवाल है, द हिंदू कॉलेज ऑफ कोलकाता वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। देखिए वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2013 की परीक्षा में भी ये आ चुका है, तो डब्ल्यूबी टेट या वेस्ट बंगाल फूड एंड सप्लाई में क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। तो कह रहा है कि कलकत्ता का जो हिंदू कॉलेज जो है, जो आप यहां देख सकते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1813, 1820, 1817 या 1830। देखिए जहां तक इसकी इसका सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता जो है, इसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय और साथ में और दो विशेष लोग थे जिनका नाम मैं आपको अगले अगले सेशन में बताऊंगा, अगले स्लाइड में बताऊंगा। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में, ठीक है, कलकत्ता में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी 1817 में, यानी कि 1870। लेकिन मेरा आप लोगों से यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है और मैं चाहूंगा कि क्योंकि आप YouTube पे मेरे प्लेटफॉर्म पे हैं तो वहां पे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि ये जो हिंदू कॉलेज है, मैं जानना चाहता हूं कितने लोग जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं, तैयार है हिंदू कॉलेज को अभी, यानी कि करेंटली इसे किस नाम से पुकारा जाता है, इसका न्यू नेम क्या है, ठीक है। मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि हिंदू कॉलेज का नया नाम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप बता पाए तो आपका एक नंबर यहां भी सिक्योर हो जाता है। आप ध्यान रखें, पढ़ाई हमें ऐसी भी करनी, ऐसी करनी है। चलिए राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़े हैं, थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो अकबर द्वितीय ने, याद रखिएगा, अकबर द्वितीय ने, ठीक है, ये जो टाइटल है राजा, राजा की उपाधि जो है राजा राम मोहन रॉय जी को दी थी, ठीक है। और इन्होंने यानी राजा राम मोहन रॉय ने एक न्यूज़पेपर निकाला था पर्शियन भाषा में, जिसे ईरान की भाषा कहते हैं, इसका क्या नाम था, मीरतुल अकबर। क्या नाम था, मीरतुल अकबर, जिसका नाम है द मिरर ऑफ न्यूज। और एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली थी, बंगाली वीकली मैगजीन या पेपर, जिसका नाम था संबद कौमुदी। क्या नाम था, संबद कौमुदी, जिसके इंग्लिश का क्या नाम है, द मून ऑफ इंटेलिजेंस, द मून ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है आपके डब्ल्यूबी टेट या वेस्ट बंगाल फूड एसआई के दृष्टिकोण से, ठीक है। इन्हें राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, यानी आधुनिक भारत के जनक कहा जाता है। इन्हें बहुत ही पॉपुलरली फादर ऑफ द इंडियन रेनेसेंस, यानी कि समाज में जो सुधारवादी नीतियां हैं, सती प्रथा को रोकना, लोगों को अंग्रेजी शिक्षा के प्रति आकर्षित करना कि आप भाषा जो है किसी व्यक्ति विशेष देश की नहीं होती है, भाषा भाषा होती है, संस्कृति में कुछ अगर अच्छी चीज है तो सीखे और उसे आगे बढ़े, तो ये बहुत जरूरी है। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन रॉय ने ही की थी। तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे हिंदू कॉलेज के बारे में, लेकिन कुछ विशेष जानकारियां जो राजा राम मोहन रॉय के बारे में यहाँ दी गई थी, मैंने आपके साथ शेयर किया जाए ताकि एग्जाम में अगर यहां से कुछ सवाल आ जाए तो इन सवालों के आप बिल्कुल सटीक जवाब दे सके। तो हिंदू कॉलेज बताइएगा, हिंदू कॉलेज का नया नाम अभी क्या है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, द कोलकाता मेडिकल कॉलेज वॉज सेटअप इन द ईयर। कह रहा है कि कलकत्ता का जो मेडिकल कॉलेज है इसे किस साल एस्टेब्लिश किया गया, डब्ल्यूबीसीएस प्रीलिम्स 2010 का यह सवाल है। देखिए यहां लिखा हुआ है, थोड़ा धुंधला होगा, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जो कि कोलकाता मेडिकल कॉलेज है। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक, अपने नाम सुना होगा, 1828 से लेके 1835 तक जो कि भारत के गवर्नर जनरल रह चुके थे, इन्होंने ही कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज कॉलेज की नींव रखी थी, यानी कि फाउंडेशन रखा था। और इसकी स्थापना जो है वो 28 जनवरी 1835 ईस्वी को की गई थी, 28 जनवरी 1835 ईस्वी की, जिसका आंसर है, ठीक है। और
इसके बारे में खास बात यह है कि एशिया का, यानी अगर सबसे सवाल पूछा जाए एक नंबर का, कि एशिया का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज जो है, एशिया का सबसे पहला जो मेडिकल कॉलेज है, तो मेडिकल कॉलेज कौन सा है, तो पहला मेडिकल कॉलेज ये कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, याद रखिए बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल की हम बात करें तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत के पहले गवर्नर जनरल की हम बात करें तो वो भी थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम जो है सती प्रथा, सती प्रथा राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा को इराडिकेट करने के लिए, सती प्रथा को जड़ से हटाने के लिए भी इनका नाम जो है इतिहास में याद रखा जाता है। तो कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है 1835 ईस्वी में हुई है, जहां पे आप डॉक्टर की डिग्री या इस तरह से मेडिसिन साइंस जो है लेके पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट वुमेन्स कॉलेज इन इंडिया, भारत का अगर पहला महिला कॉलेज की अगर हम बात करें, जिसे हम लोग बैथून कॉलेज कहते हैं, सेटअप इन कलकत्ता, जिसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, जिसकी पिक्चर आप यहां देख सकते हैं उनके प्रांगण में, ये इनकी तस्वीर देख सकते हैं, जिनका नाम है जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बैथून, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1879, 1888, 1900 एंड 1862। देखिए बैथून कॉलेज की जहां तक हम बात करें, ये एक महिला कॉलेज है जो कलकत्ता के विधान सारिणी में उपस्थित है, कलकत्ता के विधान सारिणी में उपस्थित है, और जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आप जानते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के अंदर ही इस कॉलेज को और इसके जैसे बहुत सारे कॉलेज जो कलकत्ता में है एफिलिएटेड है किया गया है, ठीक है। ये अगर हम कहें तो भारत का सबसे ओल्डेस्ट वुमेन्स कॉलेज है, महिला कॉलेज की अगर बात करें तो भारत का सबसे पुराना, और इसको सबसे पहले गर्ल्स स्कूल के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था। जी हाँ, बहुत लोग, कब लोग जानते हैं इसको गर्ल्स स्कूल के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था, तो अगर ये सवाल होता गर्ल्स स्कूल तो इसका आंसर होता 1849, लेकिन पूछा गया है गर्ल्स कॉलेज, इसलिए इसका आंसर क्या है 1879, क्या इसका आंसर होगा 1879, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1879 ईस्वी में, और जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बैथून के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, इन विच ईयर कंट्रीज फर्स्ट होम्योपैथी कॉलेज इन कलकत्ता वाज ओपन, कह रहा कि किस साल देश का पहला होम्योपैथी कॉलेज जो कि कोलकाता में है की स्थापना की गई थी। तो बहुत ही शानदार सवाल है, 1947, 1850, 1881 और 1900। तो देश का जो पहला फर्स्ट होम्योपैथी कॉलेज जो है कलकत्ता का, जो इसकी तस्वीर आप यहां देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये इसका पूरा नाम, कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, द फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश किया गया था 1881 ईस्वी में। कब किया गया था, 1881 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। और ये जो इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट की स्थापना के बाद ही भारत के अलग अलग हिस्सों राज्यों में होम्योपैथी मेडिसिन जो है प्रसिद्ध होने लगा, इसकी जो प्रचलन है वो काफी बढ़ने लगी, लोग एलोपैथी और आयुर्वेदिक को छोड़ के काफी लोग जो है होम्योपैथी की तरफ आगे बढ़ने लगे। और आज तो ये आलम है कि आप जहां रहते हैं वहां भी आसपास जो है आपको होम्योपैथी क्लिनिक, मेडिसिन और डॉक्टर जो है आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, इससे कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं इस मेडिसिन के। ये जो कॉलेज है यहाँ से आप BHMS जो कि आप सुनते हैं यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री हासिल कर सकते हैं, या फिर डॉक्टरेट इन मेडिसिन होम्योपैथी की डिग्री भी हासिल यहां पे कर सकते हैं। दोनों कोर्सेज जो है इस कॉलेज में अवेलेबल है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये बात। आगे देखते हैं, IIT खड़गपुर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी जो है खड़गपुर, जो कि बंगाल में है लेकिन भारत का प्रसिद्ध विश्वविख्यात जो है ये एक IIT इंस्टीट्यूट है, इसे कब स्थापित किया गया था। अगर हम IIT खड़गपुर की बात करें तो 1945, 1941, 1951 और 1952 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो मोटो है, अगर एग्जाम में आपको इसके मोटो के बारे में अगर पूछ दिया जाए तो आप क्या जवाब देंगे, तो यह है योगः कर्मसु कौशलम, यानी एक्सीलेंस इन एक्शन ही को योगा कहते हैं, यानी अगर आप अपने कर्म में बहुत अच्छे हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वही आपका योगा हो जाता है। इसकी स्थापना की गई थी 18 अगस्त 1951 ईस्वी में IIT खड़गपुर की स्थापना की थी। अगर आप पूरे देश की बात करें तो आउट ऑफ 35 ये चार नंबर में आता है, जबकि मुंबई जो है आउट ऑफ 35 दो नंबर में आता है। दोनों ही विश्वविख्यात IIT इंस्टीट्यूट है।
आगे देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज मेनी स्कूल्स रनिंग अंडर इट इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वेस्ट बंगाल। बोल रहा है कि इनमें से रामकृष्ण मिशन, चिन्मया मिशन, मिशनरीज ऑफ चैरिटी और ऑल ऑफ द अबव, इन तीनों संस्थाओं में से ठीक है कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है या तीनों ही है जिसके अंदर बहुत सारे स्कूल्स जो हैं इनके अंदर पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में इनके ही एफिलिएशन के अंदर जो है बहुत सारे स्कूल चलते हैं जो शिक्षा का प्रसार प्रचार करने में, लोगों को शिक्षित करने में, समाज में एक जागरूकता ठीक है, लोगों के अंदर एक स्पिरिचुअलिटी फैलाने में लगे हुए हैं, समाज को सुधारने में लगे हुए हैं, शिक्षा का विस्तार करने में लगे हुए हैं। तो कौन है, क्या वो रामकृष्ण मिशन है जो कि आप देख सकते हैं जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 यानी फर्स्ट में 1897 को की थी, या मिशनरीज ऑफ चैरिटी जिसकी स्थापना संत मदर टेरेसा ने 7 अक्टूबर 1950 को की थी, या चिन्मयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया चिन्मया मिशन जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, सभी के अंदर जो है बहुत सारे ढेरों स्कूल है बंगाल में या अलग अलग कोनों में जो स्कूलें आज भी रन कर रही हैं। इनके बारे में थोड़ी जानकारी हम देख लेते हैं। जहां तक रामकृष्ण मिशन का सवाल है, जो तस्वीर में आप देख सकते हैं तो बेलूर मठ में है जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 ईस्वी में की थी, और इस वक्त इसके जो प्रेसिडेंट है वो स्वामी समरानंद जी हैं। ये देख लीजिए, ये है रामकृष्ण मठ, या इसे हम लोग रामकृष्ण मिशन कहते हैं। ठीक है, आगे है चिन्मयानंद सरस्वती जी का चिन्मया मिशन जो है, इनकी स्थापना जो है 1951 ईस्वी में चिन्मयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, और ये एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। रामकृष्ण मिशन भी एक हिंदू फिलोसफी और एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को हिंदू धर्म और अध्यात्म से जोड़ने का काम करता है, वो काम भी चिन्मयानंद सरस्वती जी भी करते हैं। आगे आते हैं मिशनरीज ऑफ चैरिटी जिसकी स्थापना संत मदर टेरेसा ने की थी कलकत्ता में, और 7 अक्टूबर 1950 को यानी आज से 72 साल पहले इसकी स्थापना जो है हुई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, WB टेट का एग्जाम हो या दूसरे कोई भी एग्जाम जहां पे आप GK ट्रेडिशनल पार्ट, उस ट्रेडिशनल GK उसका एक पार्ट है, उसके लिए आप इन GK का रेफरेंस जो है ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है, इन कोलैबोरेशन विद डेविड हेयर एंड राधाकांत देव, हु ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश हिंदू कॉलेज एट कोलकाता। ये भी 2000 WBCS प्रीलिम्स 2016 का सवाल। देखिए, मैंने अभी एक सवाल किया था कि हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन रॉय ने की थी, ठीक है, लेकिन वहां मैंने कहा था कि दो और खास लोग भी थे यहाँ पे, जिसमें एक थे राजा राधाकांत देव बहादुर, जिन्होंने फंड की पूरी स्थापना की थी और पूरा सहयोग जो है डेविड हेयर के द्वारा दिया गया था। तो वो व्यक्ति कौन है, राजा राममोहन रॉय। तो डेविड हेयर और राजा राधाकांत देव बहादुर के द्वारा जो है, तीनों के प्रयास के द्वारा जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, और मैंने आपसे ये सवाल पूछा है कि हिंदू कॉलेज को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं। अगला सवाल है, अच्छा अगला सवाल जाने से पहले कुछ हम जान लेते हैं और यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया कि डेविड इन कोलैबोरेशन विद डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डव, राजा राममोहन रॉय और राधाकांत देव, इनके मिले जुले प्रयास से हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में 1817 को हो गई। 1825 में राजा राममोहन रॉय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ये भी आपका एक नंबर का सवाल यहाँ पे आता है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राममोहन रॉय के द्वारा हुई, ठीक है, जहां पे क्या होता है इंडियन लर्निंग और वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेस दोनों के कोर्सेज जो है दिए जाते हैं, यानी भारतीय शिक्षा और संस्कृति और पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अब जानते हैं राजा राममोहन रॉय के बारे में कि वो एक समाज सुधारक और एक फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी जिन्हें कहा जाता है, और ये खास करके सती प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा जो कि पति के मर जाने के बाद पत्नी को उनके साथ ही जो है एक अग्नि में प्रवेश करके अपना देह त्याग करना पड़ता था, इस बहुत ही क्रूर प्रथा को जो कि हिंदू में था इसे रोका लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की 1816 में कोलकाता में, और इसे ही बाद में एंग्लो हिंदू स्कूल के नाम से पुकारा जाने लगा। जी हाँ, पहला जो है भारतीय अंग्रेजी माध्यम का स्कूल कोलकाता में 1816 में राजा राममोहन रॉय ने ही की थी, इसे आज हम लोग एंग्लो हिंदी स्कूल कहते हैं, ठीक है। इन्होंने ही 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की जो कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एंड दिस मूव इज ऑफन क्रिएटेड विद पेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिफॉर्मिंग एंड मॉडर्नाइजिंग इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज को सुधारने, अंधविश्वासों से बाहर निकालने, जो कुरीतियां हैं, जो एक रूढ़िवादी विचारधारा है जो कि बिल्कुल भी जिसको हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते, एक्सेप्ट स्वीकार नहीं कर सकते, जिसको
आंखों से समझ में आ रहा है कि गलत हो रहा है, ये कई तरह के सुधार, जैसे विधवा पुनर्विवाह करना, सती प्रथा पर रोक लगाना, कास्ट सिस्टम को खत्म करना, पाश्चात्य शिक्षा यानी कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रति लोगों को आकर्षित करना, प्रेरित करना कि आप सीखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी कहा जाता है। और फ्रीडम फाइटर गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है, कॉल्ड रॉय मैंने राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया की उपाधि भी दी थी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो एक नंबर का सवाल यहां भी बनता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया है, और जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयास के द्वारा राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन किया था। अगला सवाल है, व्हेन द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता वाज फॉर्मड, कहा था कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में हम पढ़ेंगे। सवाल ये है, देखिए WBCS प्रीलिम 2011 का सवाल है ये, और आने वाले एग्जाम में भी सवाल आ सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना जो है कब हुई थी, 1854, 1857, 1860 और 1874। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, जिसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आज जो है कलकत्ता में एफिलिएटेड हैं, ठीक है, उन्हें मान्यता मिली हुई है, और उसके अंदर भारत के अलग अलग कोने से अपने अपने प्रिय विषय को पढ़ने के लिए, बैचलर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने के लिए, फर्दर स्टडी करने के लिए लोग कलकत्ता में इसी कॉलेज, इसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, जिसकी स्थापना जो है 24 जनवरी 1857 यानी कि 166 साल पहले की गई थी, 1857, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए जो जमीन की जरूरत थी वो जमीन उस समय के दरभंगा के महाराजा, जिनका नाम था महाराजा महेश्वर सिंह बहादुर, दरभंगा के महाराजा, महाराजा महेश्वर सिंह बहादुर ने इसके लिए जमीन दी थी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग नोबल लॉरिएट्स इज नॉट एसोसिएटेड, इज नॉट एसोसिएटेड, सवाल ध्यान से पढ़े, विद द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। अभी जो हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के बारे में पढ़ा, इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए कई महान जो लोग हैं, आत्माएं हैं जो इनके साथ जुड़े हुए थे, तो यहाँ पे चार नाम है, अमर्त्य सेन, सीवी रमन, रोनाल्ड रोस और हरगोबिंद खुराना, चारों नोबेल लॉरिएट है। पूछा यह गया कि इनमें से कौन सा नोबेल लॉरिएट है जिन्हें नोबेल पुरस्कार तो मिला था लेकिन वह यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना से जुड़े हुए नहीं है। जहां तक अमर्त्य सेन की हम बात करते हैं, इन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल लॉरिएट, नोबेल पुरस्कार मिला था, सीवी रमन को फिजिक्स के लिए, रोनाल्ड रॉस को फिजियोलॉजी मेडिसिन यानी खासकर मलेरिया के लिए, और हमारे टैगोर जी को लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो सही आंसर क्या होगा इसका, हरगोबिंद खुराना यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के स्थापना से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन बाकी सभी जुड़े हुए हैं, अमर्त्य सेन, सीवी रमन, रोनाल्ड रॉस और रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, वेयर इज द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, कह रहा है पश्चिम बंगाल में जो उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय है, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय से कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल, जिसे हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल या पॉपुलरली NBU नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी कहते हैं, ये कहाँ है, कूचबिहार, दार्जिलिंग, न्यू जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, ये इसका सिंबल है, जिसकी स्थापना 1 जून 1962 में वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा की गई थी। इसके चांसलर कौन होते हैं अगर आपसे पूछा जाए, तो चांसलर होते हैं हमारे बंगाल के राज्यपाल यानी गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल ही इसके चांसलर होते हैं, और वाइस चांसलर जो है सारा कामकाज देखते हैं। तो इसका जो स्थापना है वो कहाँ हुआ है, दार्जिलिंग में, जिसे हम लोग NBU के नाम से जानते हैं, और ये एक एक्ट ऑफ 1962 बाय द लेजिस्लेचर ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई, इस कानून के द्वारा। इसमें दो कैंपसेस हैं, एक कैंपस जो है वो पश्चिम बंगाल के शिलीगुड़ी में राजा राममोहनपुर में है, और दूसरा जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के दनगुआझार, क्या है, दनगुआझार में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हमारा दार्जिलिंग सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज नॉट सिचुएटेड इन कोलकाता, कह रहा है इनमें से कौन सा वह संस्था है जो कलकत्ता में स्थित नहीं है। देखिए चारों को अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो कलकत्ता कहीं ना कहीं आपको दिखाएगा, लेकिन एक छोटा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पे इनलैंड के जगह अगर यहाँ पे कैप्चरिंग होता, क्या होता, कैप्चरिंग होता, तो ये भी वेस्ट बंगाल हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, ये सारे पश्चिम बंगाल के हैं, ये जो है आंसर होगा हमारा, ये पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है, आई थिंक ये गुवाहाटी आसाम में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं, विच स्कीम रन बाई वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रिसीव द हाइएस्ट पब्लिक सर्विस अवार्ड बाई यूनाइटेड नेशन इन 2007, कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2017 में वेस्ट बंगाल सरकार यानी कि पश्चिम बंगाल के सरकार को यानी उनके मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी को
पब्लिक हाईएस्ट सबसे उच्च पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया, किस स्कीम के लिए? बालिका समृद्धि योजना, कन्याश्री प्रकल्प स्कीम, उत्कर्ष बंगला स्कीम या शिक्षा श्री। तो ये बहुत सारे स्कीम बंगाल में चल रही है जो बंगाल की सरकार हमारे देश के अलग अलग उम्र के और तबके के लोगों के लिए उपलब्ध कराती रहती है। तो किसके लिए दिया गया था, जो आप देख सकते हैं उस समय की तस्वीर है हमारे राज्य की सीएम जो है सुश्री ममता बनर्जी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा कन्याश्री प्रकल्प स्कीम, ये तो पता चल गया होगा आपको। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2013 के द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा इसकी स्थापना हुई। और ये क्या है अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे, ये हो गया एक नंबर का सवाल। आपसे ये ना पूछ के ये पूछ दे कि सीसीटी क्या है, यानी कि कंडीशनल कैश ट्रांसफर होता है आपका कन्याश्री प्रकल्प स्कीम में। तो कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम होता है। अब देखिये कन्याश्री को हम लोग तीन हिस्सों में बांटते हैं, K1, K2 और K3। अब ये क्या है K1, K2, K3? देख K1 जो है वो 13 से 18 साल की उम्र की लड़कियों को हर महीने उनकी पढ़ाई के लिए 750 रुपए पर मंथ दिया जाता है। बात को समझे कि कन्याश्री प्रकल्प योजना क्यों शुरू किया गया था। हमारे बंगाल में गरीबी और आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते बहुत सारे माता पिता अपने बेटियों की पढ़ाई पूरी नहीं करवाते, उनका स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाता है और बहुत ही कम उम्र में, यानी 18 से कम उम्र में ही जब वो नाबालिग होते हैं उनकी शादी कर दी जाती है, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है, एक तो पढ़ाई नहीं कर पाती और शारीरिक रूप से तैयार ना होने के बावजूद भी परिवार उनका शादी कर देता है। इसे रोकने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या किया, कन्याश्री प्रकल्प स्कीम शुरू किया, जहां पे उनकी पढ़ाई ना रुके बालिकाओं की, लड़कियों की, और उनकी शादी कम उम्र में ना हो यानी 18 से नीचे कभी ना हो। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनकी पढ़ाई को जारी रखने के लिए हर महीने K1 स्कीम के अंदर 13 से 18 साल की लड़कियों को कन्याश्री प्रकल्प स्कीम के अंदर हर महीने 750 रुपया उनके अकाउंट में दिया जाता है। शर्त यह है, कंडीशन ये ट्रांसफर होगा उनके अकाउंट में, शर्त यह है कि तब तक उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। K2 स्कीम में क्या है कि बच्चे जो लड़कियां जो है अगर हायर स्टडीज यानी स्कूल और कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हैं तो 18 से 19 साल तक की लड़कियों को 25,000 रुपया पर ईयर हायर स्टडीज के लिए दी जाती है, ताकि उनकी पढ़ाई में उच्च शिक्षा में कोई बाधा ना है। उसके बाद भी लड़कियां अगर पढ़ना चाहती हैं, फर्दर स्टडीज करना चाहती हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहती हैं तो 2,500 रुपये साइंस स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए और 2,000 रुपये आर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए K3 में कन्याश्री प्रकल्प स्कीम में भारत बंगाल सरकार के द्वारा सुश्री ममता बनर्जी के द्वारा जो है कन्याओं को दिया जाता है। तो ये कैसा स्कीम है जहां पे लड़कियों की शिक्षा को बरकरार रखने, स्कूल में लड़कियों के ड्रॉप आउट को रोकने के लिए और उन्हें एक बेहतर और स्वाभिमान से भरा जिंदगी देने के लिए ममता बनर्जी के द्वारा जो है इस तरह के स्कीम जो है लॉन्च किए जाते हैं, ताकि बच्चों को अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सके और अपना आत्मसम्मान भी वो बचा के रख सके और जीवन में आगे कुछ बन सके, परिवार को सुदृढ़ और समृद्ध कर सके। इसी के लिए इनको हाईएस्ट पब्लिक सर्विस अवार्ड यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2017 में दिया गया था। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला है, What is the objective of उत्कर्ष अभियान स्कीम कंडक्टेड बाई पश्चिम बंगाल सर्व शिक्षा मिशन, जिसे हम लोग SSM कहते हैं, पश्चिम बंगाल के सर्व शिक्षा मिशन के द्वारा उत्कर्ष अभियान क्या है, इसका जो है लक्ष्य क्या है? टू मॉनिटर इंप्रूवमेंट इन चिल्ड्रंस लर्निंग लेवल, टू गिव स्कॉलरशिप टू SC स्टूडेंट्स, टू सेटअप प्राइमरी स्कूल्स वोकेशनल ट्रेनिंग, टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग। देखिए जहां तक उत्कर्ष अभियान की बात है तो बता दूं उत्कर्ष अभियान जो है वो 3 से लेके क्लास 4 तक के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के अंदर रीडिंग, राइटिंग, बेसिक न्यूमेरिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेशन, इमेजिनेशन, मेंटल मैथ जैसी चीजों को, रीडिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, राइटिंग स्किल को बेहतर करने के लिए, यानी इनका जो लर्निंग का जो लेवल है बच्चों में वो बेहतर हो जाए, इसके लिए जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं स्कूलों में प्रोवाइड की जाती है, जिसे हम लोग उत्कर्ष अभियान के रूप में जानते हैं 2013। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, टू मॉनिटर इंप्रूवमेंट इन चिल्ड्रंस लर्निंग लेवल्स। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सही है फॉर लिटरेसी रेट इन वेस्ट बंगाल। तो कह रहा है जहां तक हम लिटरेसी रेट की हम बात करते हैं तो लिटरेसी रेट की हम बात करें वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस प्रीलिम 2007 का सवाल है, कौन सी बात सही है यानी एक बात गलत है। देखिए हम यहाँ अगर लिटरेसी रेट की बात करते हैं, साक्षरता दर की बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो हमें सेंसस 2011 को पढ़ना होगा। सेंसस 2011 ये कहता है कि पश्चिम बंगाल का जो लिटरेसी रेट यानी कि जो साक्षरता दर है वो 76.26% है, जो कि
राष्ट्रीय एवरेज, पूरे देश का अगर हम एवरेज निकाले सारे स्टेट्स को मिला के, जो कि 74% है, उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है। और जिसमें अगर हम पुरुषों का यानी बंगाल में अगर पुरुषों की साक्षरता दर की हम बात करें तो 81.69% दर्ज है। और वहीं फीमेल लिटरेसी रेट, ये बाद में भी एक सवाल का जवाब देने के लिए काम में आएगा, देख लीजिए, फीमेल लिटरेसी रेट जो है 70.54% है। तो सच बात कौन सी है, ए नंबर, कि जो लिटरेसी रेट जो पश्चिम बंगाल का है वो राष्ट्रीय एवरेज यानी कि नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है, क्योंकि नेशनल एवरेज 74% है और पश्चिम बंगाल का जो लिटरेसी रेट है वो 76.23% है। मेल लिटरेसी रेट 81.69% बंगाल में और फीमेल लिटरेसी रेट बंगाल में 70.54% है। अगला सवाल देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें बंगाल का फीमेल लिटरेसी रेट क्या था। मैंने अभी आपको कहा मेल लिटरेसी रेट 81.69% और फीमेल लिटरेसी रेट 70.54%, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि बंगाल में जो महिला शिक्षा दर जो दर है वो 70.54% है। ठीक है, अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो हमने पढ़ा कि पश्चिम बंगाल का जो साक्षरता दर है वो राष्ट्र के पूरे देश के एवरेज से भी 2% ज्यादा है। तो सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट है। अगर हम प्रथम चार की हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है पूर्व मेदिनीपुर, बंगाल में पूर्व कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं ईस्ट मेदिनीपुर, क्या कहते हैं, ईस्ट मेदिनीपुर एक नंबर में आता है, जहां की शिक्षा दर जो है साक्षरता दर 87.02% है। अगर हम कोलकाता की बात करें दो नंबर पे आता है 86.31%, जो कि एक अर्बन एरिया है, मेट्रोपोलिटन एरिया है। नॉर्थ 24 परगना की बात करें तो 84.06%, जो कि तीन नंबर में आता है। और अगर हम हावड़ा की बात करें तो 83.31% आता है, जो कि चार नंबर पे आता है। तो पहले नंबर पे जो आता है वो है ईस्ट मिदनापुर, ईस्ट यानी कि पूर्व मिदनापुर। ठीक है, अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट। देखिए यहाँ पे तो मैंने पहला चार दिया हुआ है, तो जो सबसे निचला जहां पे साक्षरता दर है बंगाल का वो कौन है, तो वो है हमारा नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तरी, नॉर्थ दिनाजपुर का जो लिटरेसी रेट है वो बंगाल का सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट है। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, अगर हम जनगणना 2011 की हम बात करें तो जो ग्रामीण साक्षरता दर है बंगाल का यानी कि गांवों और शहरों का साक्षरता दर, लिटरेसी रेट अलग अलग होता है, अगर हम ग्रामीण साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो ये कितना है, सवाल आपसे ये पूछा गया है, ग्रामीण जो है वहां पे जो है ये रेट जो है वो कितना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 72.13%। जी हाँ, ये हो जाता है 72.13% जो है ये पश्चिम बंगाल के ग्रामीण शिक्षा दर है, यानी कि मेल और फीमेल को मिला के। और यहाँ पे 2011 का पश्चिम बंगाल के मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट आपको दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं बांकुड़ा से स्टार्ट है, उत्तर दिनाजपुर जो मैंने कहा था नॉर्थ दिनाजपुर पे जाए खत्म है। ठीक है, अगला सवाल है, द आयुष्मती स्कीम रनिंग इन वेस्ट बंगाल कैटर्स टू विच ग्रुप ऑफ पीपल। कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो आयुष्मती स्कीम पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा चलाया जाता है, ये स्कीम का लाभ किसके लिए मिलता है, गर्ल्स फॉर एजुकेशन, मदर्स, एक्सपेक्टिंग मदर्स या ओल्ड वुमेन। पिक्चर मैंने यहाँ दिया हुआ है आपको बताने के लिए, मैं चाहूंगा एक बार कमेंट करके बताएं कि ये जो स्कीम है आयुष्मती स्कीम पश्चिम बंगाल की एक्चुअली किसके लिए है, एक बार इसका कमेंट करें। मैं थोड़ा समय आपको देता हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ आगे बढ़े और इसका जवाब दे। आयुष्मती स्कीम क्या, आपने इस नाम के बारे में सुना है, अगर सुना है तब बताएं कि किसके लिए होगा, ए बी सी डी, आपके पास चार ऑप्शन है, एक बार कमेंट करके बताएं। मैं बताऊं तो आयुष्मती स्कीम जो है वो है एक्सपेक्टिंग मदर्स, यानी कि जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनका बच्चा होने वाला है या जिन्होंने गर्भ धारण किया है, उनको कई तरह के जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं बच्चों के जन्म के साथ, जो कई तरह कॉम्प्लिकेशंस बीमारियां होती हैं या विटामिन्स या पोषक पदार्थों की न्यूट्रिएंट्स के शरीर में कमी हो जाती है, जन्म के समय कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मेडिकल फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड नहीं होती है, इन सब से एक गर्भवती महिला को बचाने के लिए और बच्चा जो है जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ और अच्छे अच्छा हो और बच्चे का जन्म जो है बढ़िया से हो जाए, अच्छे से हो जाए, माँ को जो है हर तरह का पोषक पदार्थ और सुविधाएं, मेडिकल चेकअप आशा कर्मियों के द्वारा, हेल्थ कर्मियों के द्वारा प्रोवाइड किया जाए, बच्चों को टीकाकरण वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाए, ये सब कुछ जो है एक गर्भवती माता के लिए ठीक है आयुष्मती स्कीम के अंदर जो है कवर किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है, इन विच डिस्ट्रिक्ट यानी पश्चिम बंगाल का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पहला ह्यूमन मिल्क बैंक,
जिसे हम लोग मधु स्नेहा क्या कहते हैं, मधु स्नेहा कहते हैं, सेटअप किया गया। देखिए मधु स्नेहा अलीपुर द्वार कोलकाता हुगली नॉर्थ 24 परगना। अलीपुर द्वार तो वो डिस्ट्रिक्ट है जहां मैं रहता हूं, ठीक है। खैर ये तो है नहीं, ये आप देख सकते हैं ये ब्रिस्ट पंप है, यानी कि माएं जो है जिनका दूध ज्यादा होता है, जिनके बच्चे दूध पी चुके हैं, तो वो एक्स्ट्रा जो है दूध को निकालने के लिए ब्रेस्ट पंप की व्यवस्था बहुत सारे अस्पतालों में की जाती है। जैसे कि सबसे पहले इसकी व्यवस्था जो की गई है वो SSKM हॉस्पिटल यानी कि सेठ सुखलाल करनानी मेमोरियल हॉस्पिटल यानी कोलकाता में इसकी स्थापना की गई है। देखिए मधुर स्नेहा स्कीम क्या है, बहुत सारे जो माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, जिनको गर्भवती होती है, जिनको बच्चा होने वाला होता है, तो होता यह है कि बच्चे को पीने के लिए माँ के स्तन में दूध जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं उतर पाता, बच्चे को पोषण नहीं मिल पाता, कई सारे दिक्कतों के सामना करना पड़ता है। बर्थ डिफेक्ट के चलते माँ का जो है छाती में जो है दूध नहीं आ पाता और अपने बच्चों को दूधपान नहीं करवा पाती, जो बच्चे के लिए बहुत खराब है, क्योंकि जन्म से 6 महीने तक बच्चे को अपनी माँ का दूध जो है मिलना चाहिए। इस कमी को दूर करने के लिए कई सारे अस्पतालों में, सबसे पहले कलकत्ता के SSKM हॉस्पिटल में जो है ब्रेस्ट पंप या ह्यूमन मिल्क बैंक मधु स्नेहा की स्थापना की गई, जहां पे वो माएं जो अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद भी एक्स्ट्रा दूध जो है उनके छाती में उतर के आता है, उस दूध को ब्रेस्ट पंप के जरिए इस बोतल में उतार के उन माओं के बच्चों को दिया जाता है जो अपनी माओ का दूध पीने का नसीब उनके नसीब में नहीं होता, माओ का दूध नहीं होता, बच्चे को दूध नहीं मिलता, लेकिन दूसरी माएं जो है दूसरी माओ के बच्चों को अपना दूध पिला के उन्हें स्वस्थ रखती हैं। तो बहुत ही नेक काम है, ये अच्छा काम है, इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए, हर जगह अस्पताल में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। अगला है, इन विच ईयर द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लॉन्च द स्वास्थ्य साथी स्कीम, कह रहा है कि किस साल स्वास्थ्य साथी स्कीम, जो कि एक कौन सा स्कीम है, एक मेडिकल स्कीम है, एक कौन सा मेडिकल कैशलेस स्कीम है, ठीक है, जहां पे पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो है पर फैमिली में जितने मेंबर है सबको मिला के 5 लाख तक के स्वास्थ्य सुविधा, यानी कि जो इलाज कराएंगे किसी भी अस्पताल ने पश्चिम बंगाल के, स्वास्थ्य साथी कार्ड को दिखा के अगर इसका धारक है तो पूरे फैमिली का 5 लाख तक का कवर है, जिसकी स्थापना 30 दिसंबर 2016 को पश्चिम बंगाल में हुई थी, 2016 पर फैमिली। यह है किसी डिजीज से बीमारी से अगर ग्रस्त है और इलाज कराते हैं तो 5 लाख तक की सुविधा मिलेगी, लेकिन अगर एक्सीडेंटल केस होता है तो इस तरह का कोई लिमिट नहीं है, 5 लाख की कोई लिमिट नहीं है, इससे ज्यादा का भी मिल सकता है, ठीक है। तो जितने भी एम्पैनल्ड अस्पताल है पश्चिम बंगाल में लगभग सभी है, वहां पे इस कार्ड के जरिए लोग जो है इस स्वास्थ्य का इस कार्ड का लाभ, इस सुविधा का लाभ जो है उठा सकते हैं। अगला सवाल है, जेबी रॉय स्टेट आयुर्वेदा कॉलेज, पहला आयुर्वेदा कॉलेज है ये आई थिंक पूरा भारत का, जो कि जिसकी स्थापना कलकत्ता में हुई है, तो इसकी स्थापना जो है किस साल हुई है, जेबी रॉय स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जहां से आप आयुर्वेदा की डिग्री ले सकते हैं। आई थिंक ये भी मेरे ख्याल से कोलकाता मेडिकल कॉलेज के अंदर ही शायद एफिलेटेड है, जहां तक मैं लगता है। इसकी स्थापना जो हुई क्या बताते हैं, इसकी स्थापना जो हुई है वह है 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है, ये अपने आप में पहला आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, जे बी रॉय स्टेट आयुर्वेदा कॉलेज 1916। अगला सवाल है, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है, तो देखिए बहुत ही आसान है, पूछ रहा है कि बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां पे है, तो दिया ही हुआ है, ये दिया हुआ है कोलकाता, यानी कि बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो कोलकाता में ही है। विद्यासागर विश्वविद्यालय कहां पे है, विद्यासागर विश्वविद्यालय वेस्ट मेदिनीपुर में ही है, और हल्दिया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जो है ये ईस्ट मेदिनीपुर में है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2 एंड 3, यानी यहां मैच करने की बात है, तो 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। फाइंड द इनकरेक्ट पेयर, अब देखिए सवाल तो यहां पूछा है इनकरेक्ट पेयर, लेकिन टेक्निकली यहां पे कुछ इनकरेक्ट है ही नहीं, बहुत ही मजेदार सवाल है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आशा स्कीम, आपको पता है कि आप जहां रहते हैं वहां भी आपका हेल्थ वर्कर लोग काम करते हैं, आशा कर्मी काम करते हैं, आशा का फुल फॉर्म को एग्जाम में पूछा जा ही सकता है, तो आशा का फुल फॉर्म क्या होगा, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। और अगर आपसे MCH पूछा जाए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में यहां दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा मदर एंड चाइल्ड हब्स, जो कि माता और उनके नए जन्म बच्चों की सुरक्षा के लिए जो हब्स बनाए जाते हैं, जहां पे क्रेच वगैरह होते हैं और कई तरह की मेडिकल सुविधाएं और न्यूट्रिशनल सुविधाएं होती हैं, दी जाती हैं। देखिए तो आशा जो है वो क्या है, वो मदर और एलिंग इन्फेंट के लिए होता है। आयुष्मती स्कीम जो है मैटरनिटी, अभी हमने पढ़ा कि जो गर्भवती माएं होती हैं, एक्सपेक्टिंग मदर होती हैं, उस वो जन्म से जुड़ी हुई सुविधाओं को दी जाती है। वेस्ट बंगाल हेल्थ स्कीम WBHS, यानी कि
ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल हेल्थ स्कीम 2008 जो है ये कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट स्कीम है, और MCH यानी कि मदर एंड चाइल्ड हब जो है वो मदर एंड चाइल्ड हब के लिए बनाया जाता है, जहां के जच्चा बच्चा दोनों का ध्यान रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, तो ये था आज का वेस्ट बंगाल स्पेशल जीके, जो कि था एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज ऑफ पश्चिम बंगाल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं ना, ये कहीं मिलेगा नहीं है आपको, आप खोजेंगे, मैं आपको कंपाइल करके दे रहा हूं। ये वीडियो यूट्यूब पे तो अवेलेबल है ही, लेकिन ये वीडियो ऐप पे भी अवेलेबल हो जाएगा WB TET के कोर्स के अंदर। और ये जो आप स्टडी मटेरियल देख रहे हैं, इसकी PDF भी आपको ऐप पे ही मिलेगी। यूट्यूब पे इसकी PDF अवेलेबल नहीं है, वो ऐप पे अवेलेबल है। वहां पे इसकी PDF, नोट्स, असाइनमेंट और फ्री मॉक टेस्ट, जी हां, 500 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट की व्यवस्था ऐप पे की गई है। उन लोगों के लिए जिन्होंने ऐप से कोर्स लिया है, उनको फ्री में उस बैच में ऐड किया जाएगा। जैसे उन्हें बैच में ऐड कर देंगे, उनको उस ऐप में मॉक टेस्ट का एक्सेस मिल जाएगा। प्रत्येक मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चन है, हर एक पहलू से, हर एक सवाल से। तो ये आप इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। यहां पे खत्म होता है एनवायरमेंटल साइंस का Season 2 Episode 3। और अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज, जितने लोग देख रहे हैं, देखते देखते भूल ना जाए, एक बार इसको लाइक कर दे, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करें जो नए हैं हमारे चैनल पे, और जो ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो कर देंगे उनके लिए भी शुक्रिया। चैनल को वायरल कर दे, काबिल अकेडमी को परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी आप लोगों की ही। अगर हम थोड़ा सा भी अच्छा पढ़ाते हैं, अगर आपको दिल में कहीं लगता है कि हाँ भाई यहाँ कुछ अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो कृपया करके अच्छी चीजों को जरूर फैलाएं, बुरी चीजों को वहीं रोक दे। तो काबिल अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा काबिल अकेडमी का जो हमारा ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, यहाँ पे जो कोर्सेस अवेलेबल है वो है WB TET 2023 का कोर्स, जो कि हिंदी इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी अवेलेबल है, जो ले सकते हैं। वहां पे 126 प्लस वीडियोस जो है नए सिलेबस पे ऑलरेडी अवेलेबल है, और जो भी क्लास यहाँ पे नए आप देख रहे हैं वो भी उन्हीं बच्चों को उसी WB TET कोर्स में मिल जाएगा, विथ PDF, नोट्स, असाइनमेंट एंड मॉक टेस्ट। WBSSC अपर प्राइमरी टेट की क्लासेस भी वहां पे ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, जो क्लास 6 से 9 के लिए है। सामने साल इसकी वैकेंसी आने वाली है, बहुत लोग ये कहते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, और WB TET 2023 में प्राइमरी टीचर के जो बंगाली मीडियम के स्टूडेंट है, इनके कोर्स बहुत जल्दी अपलोड होने वाले हैं, हो रहे हैं, बहुत जल्दी आपको हो जाएंगे। आज एक और वीडियो मैं लॉन्च करूंगा, जो कि जो WB वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट का जो फॉर्म फिलअप है, बहुत सारे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनिए, स्किप मत कीजिए। बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर, जो लोग फर्स्ट ईयर के DLED में एडमिशन लिए हैं, या जिन्होंने जस्ट एडमिशन लिया है, या वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिए हैं, सेकंड ईयर में गए हैं, सेकंड ईयर की परीक्षा हुई नहीं है, होगी, तो देखिए यहां पे पहली कैटेगरी है कि सर मैंने DLED में एडमिशन ले लिया है, मेरे पास एडमिशन स्लिप है। दूसरे वो कैटेगरी के हैं जो लोग फर्स्ट ईयर परसू कर रहे हैं। तीसरे वो लोग जो है जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट आ गया है या रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं। और चौथा वो जिनका सेकंड ईयर की परीक्षा भी हुई नहीं है। ये हमसे पूछते हैं कि सर क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं और जब वहां DLED को आप सेलेक्ट करते हैं, तो आगे 3 ऑप्शन मिलता है, अपीयर्ड, पास्ट या परसुइंग। तो मैंने नोटिस में यह कहा था कि जो फर्स्ट ईयर में है, जो फर्स्ट ईयर पास किए हैं, वे एलिजिबल नहीं है। जिन्होंने सेकंड ईयर की परीक्षा दे दी है और रिजल्ट को वेट कर रहे हैं, वही एलिजिबल है। लेकिन मैं कह देता हूं, चूंकि फॉर्म फिलअप के समय आप देखोगे वहां पे एक ऑप्शन है कि जो लोग परसुइंग है, यानी जो लोग अभी DLED कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे वो उनके पास एडमिशन स्लिप हो, फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम दे दिए हैं या पढ़ ही रहे हैं, तो मैं उनसे यह भी कहूंगा कि आप फॉर्म फिलअप जरूर करें, क्योंकि वहां जब ऑप्शन दिया है तो आप फॉर्म फिलअप कर दे। आगे जो होगा वो देखा जाएगा, बाद की बात है, पर आप फॉर्म फिलअप कर दे। कल दिल में ये रंजिश ना हो जाए कि भाई फॉर्म फिलअप कर देते तो हो जाता, लेकिन मैं कहूंगा कि फॉर्म फिलअप कर दे। इसकी एक वीडियो हम बना देंगे, उसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।